ये है अमृतपाल सिंह साधु, 30 साल का एक यंग लड़का जिसने एक हफ्ते से पूरे भारत का ध्यान अपनी तरफ खींच रखा है। सारे मीडिया चैनलों में एक ही नाम चल रहा है, अमृतपाल सिंह। लेकिन ये अमृतपाल सिंह है कौन और क्या इसकी वजह से पूरा देश नफरत की आग में जलने वाला है? कुछ महीनों पहले दुबई में काम करने वाला एक नॉर्मल पंजाबी जो कुछ ऐसा दिखता था और आज कुछ ऐसा दिखता है। अमृतपाल दुबई में सोशल मीडिया पर सिख धर्म को लेकर जागरूक होता है। अमृतपाल सोशल मीडिया पर पंजाब के एक एक्टर दीप सिद्धू से मिलता है। दीप सिद्धू ने पंजाब में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसका नाम है वारिस पंजाब दे। वारिस पंजाब दे का मेन काम होता है पंजाब के लोगों के लिए केंद्र सरकार से लड़ना। फेब्रुआरी 2022 में दीप सिद्धू की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। उसके बाद अमृतपाल सिंह को दुबई से वारिस पंजाब दे का लीडर बनाने के लिए बुलाया जाता है। 4 मार्च 2022 को अमृतपाल सिंह वारिस पंजाब दे का लीडर बन जाता है और तभी से लेकर आज तक अमृतपाल सिंह शांति से जिंदगी जी रहे सिखों को एक कट्टर खालसा बनाने में लगा है। इसी के बीच 4 ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से अमृतपाल सिंह पूरे देश में पॉपुलर हो गया। 29 सितंबर 2022 को अमृतपाल सिंह उस गांव में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करता है जिस गांव में जर्नैल सिंह भिंडरनवाले का जन्म हुआ था। जर्नैल सिंह भिंडरनवाले एक खालसा एक्टिविस्ट था जिसको आज भी पंजाब में कुछ लोग हीरो मानते हैं। उस प्रोग्राम में अमृतपाल सिंह लोगों को भारत के खिलाफ भड़काता है। ये अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए लेकिन हम अब भी गुलाम हैं। हम भारत के गुलाम हैं और हमें भारत से आजादी चाहिए। हमें हमारा एक अलग देश चाहिए, खालिस्तान। उसके बाद अक्टूबर 2022 में अमृतपाल सिंह घर वापसी के नाम से एक कैंपेन चलाता है जिसमें पहले राजस्थान के 927 सिख हिंदू और क्रिश्चियन को खालसा सिख बनाता है, फिर अमृतसर में 1027 हिंदू और सिखों को खालसा सिख बनाता है और ये खबर मीडिया में हेडलाइन बन जाती है। फिर कुछ टाइम के बाद अमृतपाल सिंह भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह को जान से मारने की धमकी देता है कि सिखों ने जैसे 1984 में इंदिरा गांधी को मारा था वैसे अमित शाह को भी मारेंगे, जिससे अमृतपाल सिंह का नाम पूरे भारत में फैल जाता है। उसके बाद हुई एक बहुत बड़ी घटना से अमृतपाल सिंह फेमस हो गया। लवप्रीत सिंह जो अमृतपाल सिंह का करीबी है उसको एक किडनैपिंग केस में पुलिस ने जेल में बंद कर दिया था, जिसके बाद अमृतपाल सिंह हजारों खालसा सिखों को साथ लेकर पुलिस स्टेशन पर हमला कर देता है और फिर पंजाब पुलिस को लवप्रीत को छोड़ना पड़ता है। ये न्यूज पूरे भारत में आग की तरह फैल गई और अमृतपाल सिंह खालिस्तानियों के लिए हीरो बन गया। अमृतपाल सिंह कहता है कि वो पंजाब और सिखों के हक के लिए लड़ रहा है और उन्हें एक अलग देश खालिस्तान चाहिए। अमृतपाल सिंह की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि उसने एक कैंपेन शुरू किया था, एंटी ड्रग कैंपेन। पंजाब में आज ड्रग बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। पंजाबी युवा ड्रग एडिक्टेड बन चुके हैं, जिस पर एक मूवी भी बनी थी, उड़ता पंजाब। तो इनको ड्रग से बचाने के लिए अमृतपाल सिंह ने एंटी ड्रग कैंपेन शुरू किया था। एंटी ड्रग तो ठीक है, लेकिन ये जो अमृतपाल सिंह एंटी इंडिया बनने की कोशिश कर रहा है, ये कोशिश उसको बर्बाद कर देगी और साथ में पंजाब और पूरा भारत नफरत की आग में जल सकता है। वैसे आप किसकी राह पर चलना पसंद करोगे, अमृतपाल सिंह की या भगत सिंह की?